हरदा जिले में लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी पुलिस टीम पर नमाजियों ने हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस का एक जवान घायल हो गया और एक पेट्रोलिंग गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। मामला ठाकुर गंगट्टी थाना क्षेत्र के मंडरो बाजार का है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम को सूचना मिली कि कुछ लोग भीड़ के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं। इसकी सूचना पर जब पुलिस नमाजियों को रोकने पहुंची तो नमाजियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया और एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोड्डा से न्यूज़ के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।